पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का जिन सिर चढ़ के बोल रहा है, आज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक तवील अरसे थी इम्तियाजी सलूक, तासुब, नफरत और तशद्दुद का सामना है। बरतानवी साम्राज्य थी आज़ादी थी बाद मुसलमानों सुन कई फिरका वाराना फसादात दिखे। गुजरात में मुसलमानों का कतलेआम, बाबरी मस्जिद की शहादत, 2020 दिल्ली में मुस्लिम मुखालिफ फसादात, भारत में फिरका वाराना तशद्दुद की कुछ मिसाल हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में सब से ज्यादा माशी पसमंदगी का शिकार हैं। भारत में मोदी और बीजेपी के इकतदार में चढ़ने की बाद मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में हद से ज्यादा वाधा हो गया है। RSS की हमायत याफ्ता बीजेपी हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्त एजेंडे उत्ते अमल पैरा। 2019 में मोदी के दोबारा लोगों के सिरों उत्ते मुसलत होने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत सुन मुतनाज़ा पॉलिसियों को आगे बढ़ाया, जिड़ी वाजह तौर उत्ते मुसलमानों के हकूक को नज़रअंदाज कर दी। बीजेपी के इकतदार बचने के बाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिखा, ईसाइया और नीवी जात के हिंदुओं उत्ते जुल्म सितम में कई गुना वाधा होया है। मोदी की जेर क्यादत भारतीय हुकूमत के बनाए गए मुतनाज़ कवानीन का मकसद ये है कि करोड़ों मुसलमानों को उनके हक से महरूम किया जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को गां का मांस खेना या चोखरों को इधर उधर खड़ने के बहाने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इन वाकयात में मुलव्वस मुजरमों को खुली छुट्टी है, उन्होंने कोई मुहासबा नहीं है। मोदी सुन हिंदुस्तान को मुसलमानों और अकलियतों वास्ते एक गैर महफूज जगह बना दिता है। नस्लकुशी और तशद्दुद उत्ते तहकीक करने वाले माहिरीन सुन खबरदार किया है कि भारत बड़े पैमाने उत्ते मुसलमानों की नस्लकुशी की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर मुखालिफ इकदाम, नवा शहरियत कानून इसकी वाजा मिसाल है। ये तमाम सूरत आलमी बरादरी वास्ते चुशमकुश है।